हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसमें काफ़ी सारी बातें की। और हम लोग अभी पहुँचे थे चालन ऊर्जा अवस्था पे कि कंडक्शन एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें हम लोग लिख रहे थे कंडक्शन एनर्जी लेवल या चालन ऊर्जा अवस्था। तो चालन ऊर्जा अवस्था के बारे में मैं ये बोल रहा था कि जो मिनिमम एनर्जी, जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल, चालन ऊर्जा अवस्था। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलने लग जाता है उसकी वजह से कंडक्शन हो सकता है, वो फ्री हो जाता है। तो लिखो, वह ऊर्जा अवस्था जहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर चालन करने लगता है, चालन ऊर्जा अवस्था कहलाता है। द एनर्जी लेवल एट विच इलेक्ट्रॉन्स are free for conduction is called conduction energy level। ठीक है, ये हो गया, ये कंडक्शन एनर्जी लेवल। तो इसका जो मिनिमम एनर्जी है यहां पर वो है ये कंडक्शन एनर्जी लेवल यहां पर, ठीक है, चालन ऊर्जा अवस्था। इससे ऊपर के जो सारे एनर्जी लेवल है और इसको इस यहां से इसके सारे ऊपर के जो एनर्जी लेवल है इनको मिला के हम लोग इसको बोलते हैं चालन बैंड। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो चालन ऊर्जा अवस्था तथा इससे ऊपर के सभी ऊर्जा अवस्था सम्मिलित रूप से चालन बैंड कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, चालन बैंड के इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, अंडरलाइन कर लेना चालन बैंड को, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, including conduction energy level, is called conduction band। समझ आया, क्लियर है? आपको क्या करना है, एक तो इस तरीके का एक एटम बना लेना है, एक एटम बनाना है और इस तरीके से बना लो, और उसके बाद में इस टाइप का एक पैटर्न बनाना। वो जो क्या बनाना है मैं बता देता हूँ, ये बना लेना आप ऐसे, ठीक है। ये जो एनर्जी लेवल है ये, इसको हम लोग ई सी से लिखते हैं, इसको ई वी से लिखते हैं, ठीक है। इसमें और भी एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं, आगे चलते जाते हैं, ये ऊपर ओपन रहता है, मतलब और भी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, इसमें नीचे और भी लेवल हैं, एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो रहता है। लेकिन जनरली हम लोग ये अंदर वाली लाइनें दिखाते नहीं, ऐसा भी होता है, आप देखते होंगे। ये कौन सा एनर्जी लेवल हो गई, चालन ऊर्जा अवस्था
इसको बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल, कंडक्शन एनर्जी लेवल। और ये जो है ये संयोजकता ऊर्जा अवस्था, ये संयोजकता ऊर्जा अवस्था, ऊर्जा अवस्था ये है वैलेंसी, वैलेंसी एनर्जी लेवल। ठीक है, वैलेंसी एनर्जी लेवल क्लियर। ये है चालन बैंड, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड लिखते हैं इसको, कंडक्शन बैंड। और ये क्या है, संयोजकता बैंड है। इस पूरे को संयोजकता बैंड बोलते हैं, इसको पूरा चालन बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, और ये हो गया वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड। ठीक है, इसके बीच में जो ये एनर्जी का गैप है, ये इस एनर्जी गैप को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, इसको डेल्टा ई भी लिखते हैं, डेल्टा ई जी भी लिखते हैं, और केवल ई जी भी लिखते हैं। अलग अलग तरीके से शो करने का इसका पैटर्न होता है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है इसको। मैं इसको डेल्टा ई जी लिख देता हूँ। डेल्टा ई जी क्या है, ई सी और ई वी के बीच का डिफरेंस है, ई सी और ई वी के बीच का डिफरेंस है। तो ये डायग्राम छापना आपको, डेल्टा ई जी जो है वो है ई वी माइनस ई सी। ठीक है, क्लियर। आप एक सेकेंड ये मत छापना, ये छापना मत, ये मत छापना, आप ये छाप लो, ये जो भी लिखा हुआ है ये छाप लो। ठीक है, और इसके आगे एक पॉइंट लिखना, इसको पॉज करके ये छाप लेना, इसके आगे एक पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना अपने को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्जित ऊर्जा अंतराल, नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक फोर्थ होगा शायद, जो भी है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, और इसको हम लोग जनरली डेल्टा ईजी से लिख देते हैं, डेल्टा ईजी भी लिखते हैं, केवल ईजी भी लिखते हैं, या डेल्टा ई भी लिख देते हैं इसको। क्लियर है, इसका क्या मतलब है, वर्जित ऊर्जा अंतराल को बोलते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन लिख लो। चालन ऊर्जा अवस्था तथा संयोजकता ऊर्जा अवस्था के मध्य अंतराल, चालन ऊर्जा अवस्था तथा संयोजकता ऊर्जा अवस्था के मध्य अंतराल, चालन ऊर्जा अवस्था, चालन ऊर्जा अवस्था तथा संयोजकता ऊर्जा अवस्था, चालन ऊर्जा अवस्था तथा संयोजकता ऊर्जा अवस्था के मध्य अंतराल, चालन ऊर्जा अवस्था तथा संयोजकता ऊर्जा अवस्था के मध्य अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। द एनर्जी गैप बिटवीन, द एनर्जी गैप बिटवीन, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एनर्जी लेवल एंड वैलेंसी एनर्जी लेवल, कंडक्शन एनर्जी लेवल एंड वैलेंसी एनर्जी लेवल, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एनर्जी लेवल एंड वैलेंसी एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये है, ये छाप लेना अभी, इसके बाद में ये छाप लो, ये जो डेफिनेशन लिखी इसके बाद में ये छाप लेना, इज कॉल्ड वैलेंसी एनर्जी लेवल, सॉरी फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्लियर है, ये चीज समझ आई ना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका, समझ आ गया कि ये क्या सारा सीन चल रहा है। अब इसमें ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो यहां पर जगह खाली हो जाएगी, यहां पे जो जगह खाली होगी उस खाली जगह को हम लोग क्या बोले, इन्होंने बोल दिया उसको होल, क्या बोला इन्होंने, होल बोल दिया। अब देखो होल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जनरली हम लोग सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं, कंडक्टर जो होते हैं ना चालक पदार्थ, चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, इनकी प्रॉपर्टीज गुणों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं,
कि कंडक्टर्स जो होते हैं चालक पदार्थ, उनमें जब हम लोग कंडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसमें चालन कितना होगा, कितनी कंडक्टिविटी होगी, चालकता कितनी होगी, तो हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, होल का कंसेप्ट कंडक्टर्स के बारे में बात नहीं करते। होल का कंसेप्ट जो है वो हम बात करते हैं जब सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहे हो, अर्धचालकों की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन होल है क्या एक्चुअल में? होल कुछ नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, तो वो जो एम्प्टी स्पेस बच गया, जो रिक्त स्थान बच गया, उस रिक्त स्थान को दैट एम्प्टी स्पेस इज नोन एज होल। ये बात समझे? तो जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया, तो यहां पे जो खाली जगह बच गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल बोलेंगे, इसको बोलेंगे होल। आगे बात समझ में? लेकिन अब देखो, होल तो वैसे तो खाली जगह, कोई कण नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन जब थ्योरी बनाई गई तो इसको एक कण मान के ट्रीट किया गया, एक पार्टिकल समझकर पूरी थ्योरी बनाई गई। और पार्टिकल समझकर जो पूरी थ्योरी बनाई गई उसमें इसका मास भी बताया गया कि इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो एक ये हाइपोथेटिकल आइडिया है, मतलब ये एक कंसेप्ट है, एक्चुअल में तो होल होता ही नहीं ना। होल क्या है? खाली जगह। होल ऐसे नहीं है कि ये रहा होल, ये रहा कण, रहा कण नहीं होता, पार्टिकल नहीं होता, लेकिन इसको एज ए पार्टिकल समझा गया। और एज ए पार्टिकल समझा गया तो इसका मास, इसके द्रव्यमान के बारे में बात किया गया, इसका वेग के बारे में बात किया, वेलोसिटी, सारी चीजों के बारे में बात किया जाता है। और इस तरीके से मान के जब कंडक्टिविटी कैलकुलेट की गई सेमी कंडक्टर्स की, तो जो कंडक्टिविटी है वो एग्जैक्टली उतनी आई है जितनी एक्चुअल में प्रैक्टिकली आती है, एक्सपेरिमेंटली डेटा मिलते हैं। तो ये जो होल का कंसेप्ट था, जो थ्योरेटिकल आइडिया था वैसे तो, लेकिन इसको करेक्ट मान लिया गया। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो डेटा है उससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये है, तो अभी मैं होल के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं। होल की अभी धारणा इसी से रिलेटेड है, जनरली साथ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है होल की अभी धारणा। कंसेप्ट ऑफ होल, कंसेप्ट ऑफ होल देखिए क्या है। जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाता है तो संयोजकता बैंड में रिक्त स्थान बच जाता है, तो संयोजकता बैंड में रिक्त स्थान आ जाता है, रिक्त स्थान उत्पन्न होता है या आ जाता है या बच जाता है, वॉट एवर यू वॉन्ट राइट, रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इस रिक्त स्थान को होल कहते हैं, इस रिक्त स्थान को होल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अर्धचालकों की चालकता की व्याख्या करने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल की चालकता भी ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, when an electron moves from valence band to conduction band, then an empty space is generated. An empty space is generated in the valence band. This empty space
दिस एम्प्टी स्पेस इज इन कॉल्ड इज कॉल्ड होल इज कॉल्ड होल दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड होल ठीक है, क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके लिखो. Generally the theory of hole is considered to find out the conductivity. The conductivity of semiconductors. ठीक है, क्लियर है? तो कंडक्टर्स की बात करते हैं तब वहां पर हम होल का इतना डिस्कशन नहीं करते. सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पर होल के बारे में बहुत बात करते हैं. ये होल का कंसेप्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा पढ़ते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स में जब, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स ही यूज करते हैं तो वहां पर होल का पूरा थ्योरी आता है. सेकंड ईयर में पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर भी आपने पढ़ी है वहां पर. ठीक है, अब आगे देखिए होल के बारे में. आगे तो होल एक्चुअल में कुछ है नहीं. जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया वो जो एम्प्टी स्पेस बच गया खाली जगह वो क्या है, अपना होल है, उसको होल बोल रहे हैं हम लोग. अब जो होल है वो एक्चुअल में उसका कोई मास तो है नहीं, द्रव्यमान तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ऐसे बनाया गया कि इसका मास भी है. क्योंकि इसको मास मानकर पूरा वेलोसिटी लेकर सारी चीजें कैलकुलेट करके जब पूरा थ्योरी बनाया गया और उससे रिजल्ट निकाले गए, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रहे थे, तो उसको फिर करेक्ट मान लिया गया. ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो होल के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेता हूँ. होल के जो गुण हैं तो लिख लीजिए होल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होल. होल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होल, प्रॉपर्टीज ऑफ होल. दो चार चीजें लिख लीजिए. एक पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ होल. देखिए क्या प्रॉपर्टीज है. एक पॉइंट तो ऐसा लिखो कि इनका जो मास होता है, होल का मास जो होता है, होल का मास होता है, होल का जो मास है वो m ऑफ होल जो होता है वो m ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है. थोड़ा सा थ्योरेटिकल आइडिया, जब तो थ्योरी बनाते हैं तब यहां पर इस तरीके से आता है. इसका जो मास होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो इसमें एक लाइन लिख लो, लाइन लिखो, होल का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है. होल का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है. होल का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है. द मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऐसे लिख देना ये. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैं मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ. मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी वो ज़्यादा होती है होल की तुलना में. होल के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होती है. तो मोबिलिटी, गतिशीलता जिसको बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हमने. तो लिखो यहाँ पे मोबिलिटी का कुछ आइडिया, लिखो एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की तुलना में अधिक होती है. इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की तुलना में अधिक होती है. The mobility of electron is greater than the mobility of hole. Mobility of electron is greater than mobility of hole. और ये छाप लेना. ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है
एक चीज हम लोग जानते हैं जो अपवाह वेग होता है, अपवाह वेग, अपवाह है, अपवाह है वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो जो होता है वो क्या होता है, म्यू इंटू ई होता है। एक्चुअल में मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो होता है म्यू ई, ऐसा होता है अपवाह वेग। इसको शायद मैंने कहीं पे अपवन लिखवा दिया गया, अपवाह बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाहन कहीं पे लिखवा दिया तो अपवाह लिख लेना उसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी शायद लास्ट चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी बार इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जहाँ पे पढ़ा होगा वहाँ पे मैंने अपवाहन लिखवा दिया होगा, तो इसको अपवाह बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये म्यू और ई इस तरीके से लिखा जाता है। ई जो होता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से बराबर लगा दिया जाए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये म्यू पे डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो अगर म्यू ज़्यादा है तो वी डी ज़्यादा होगा, मतलब वी डी जो है प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो म्यू इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है तो वी डी भी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। तो सिंस म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ होल, तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल से ज़्यादा होगा, ऐसा होगा। तो आप पहले तो इसमें एक लाइन लिखो, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, सॉरी अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होल के अपवाह वेग की तुलना में अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होल के अपवाह वेग की तुलना में अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होल के अपवाह वेग की तुलना में अधिक होता है। The drift velocity of electron is greater than, the drift velocity of electron is greater than drift velocity of hole, the drift velocity of electron is greater than drift velocity of hole, ठीक है। और ये छाप लो पोज करके, ये सारा छाप लो, ठीक है, क्लियर है। ये सब कुछ हो गया, होल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, होल का जो कंसेप्ट था कि क्या आइडिया है होल, किस तरीके से बताया गया। तो होल का जो कंडक्टिविटी है वो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में ज़्यादा बात करते हैं हम लोग, अर्धचालकों में, कंडक्टर्स में इनके आइडिया के बारे में इतना बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये समझ आया हमारे को, ये बैंड थ्योरी हो गया अपना, बैंड थ्योरी में सिंपल सी चीज़ें हो गई, एक तो ये लेवल, एक ये लेवल, ये नीचे कंडक्शन वैलेंस बैंड, ये संयोजकता बैंड, ये चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, ये ई सी, ये ई वी, बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा ई जी, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, क्लियर है। अब इसके बेस पर हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है, ओके।